Hello everyone, we are going to start a new series that is of important days from January to December, and today we will cover the January's important days. Okay, let us start with 1st January. And आप सबको पता है 1st January को New Year होता है, लेकिन New Year के अपार्ट कौन सा day होता है वो जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है. तो आपके पास पहला जो एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए. तो 1st January को जो होता है वो ग्लोबल फैमिली डे होता है. ठीक है, न्यू ईयर को याद रखें ना रखें क्योंकि वो तो आप सबको पता ही है, लेकिन ग्लोबल फैमिली डे को आपको याद रखना है. उसके बाद 8th January इम्पॉर्टेंट है. देखिए ये वाला आपको पता हो या ना हो आई डोंट नो, लेकिन आपको 8 January को याद रखना है. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे होता है. ठीक है, जैसे कांग्रेस फाउंडेशन डे होता है ना, तो ये अफ्रीका का होता है 8 January को. ठीक है, तो ये याद रखेंगे. 9 January को NRI डे होता है, जिसे आप प्रवासी भारतीय दिवस भी बोलते हैं, तो ये याद रखना है 9 January को होता है. और आप सबको पता ही होगा कि ये क्यों होता है. ठीक है, ये रिविजन के तौर पर मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ. जब जैसे कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए थे वापस भारत में, ठीक है, उसी के उपलक्ष में ये मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस. ठीक है, 9 January को आपको याद करना है. ठीक है, इसके पीछे के कारण भी आपको सभी पता होने चाहिए. ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी से ये पढ़ा रही हूँ ताकि आपकी रिविजन हो जाए. उसके बाद 11 January को क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए, या क्या मनाते हैं हम, डेथ एनिवर्सरी ऑफ द लाल बहादुर शास्त्री. तो जो लाल बहादुर शास्त्री हैं थे, ठीक है, उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है 11 January को. ठीक है, 12th January को क्या मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये किसके उसके मतलब सम्मान में ये मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे. ठीक है, उसके बाद 15 January को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है. सॉरी, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 January को. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 January को. 23 January को सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है. ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 January को मनाई जाती है. उसके बाद नेशनल गर्ल चाइल्ड डे. नेशनल गर्ल चाइल्ड, देखिए नेशनल चाइल्ड डे आ जाए वहाँ पे आप थोड़ा सतर्क रहिएगा. जहाँ पे गर्ल आ जाता है वो वाली चीज़ हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, जहाँ पे भी गर्ल चाइल्ड आ जाता है, क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, तो गर्ल जहाँ पे आ जाता है तो इसको आप बिल्कुल नहीं भूलना. ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो 24 January को मनाया जाता है. ठीक है, 25 January को दो चीज़ें मनाई जाती हैं, याद रखिएगा, नेशनल वोटर्स डे. ठीक है, आप सब ने भी अभी वोट डाला होगा. ठीक है, मोदी जी जीत के आ चुके हैं. ठीक है, और आपने भी वोट डाला होगा सबको. ठीक है, तो नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, 25 January को. ये इसीलिए मनाया जाता है कि सबको बताया जाए कि वोट कितने नेसेसरी होते हैं और ये हमें डालने चाहिए. 25 January को मनाया जाता है. अगेन मैंने बताया ना, दो चीज़ें मनाई जाती है 25 को, और दूसरा होता है जो वो नेशनल टूरिज़्म डे मनाया जाता है. ठीक है, किसी भी कंट्री जो कोई भी कंट्री होता है वो फ्लरिश तभी कर पाता है अगर उस कंट्री में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी मतलब अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कल्चरल वे से हो गया, नेचुरल वे से हो गया, जैसे माउंटेन्स हो गए. ठीक है, और कुछ भी जो कल्चरल वे से हो गया, तो उससे टूरिज़्म जो है वो फैलता है, और उसको बढ़ावा देने के लिए ही नेशनल टूरिज़्म डे 25 January को मनाया जाता है. ठीक है, उसके बाद 26 January को मतलब आप सबको पता ही है रिपब्लिक डे मनाया जाता है. 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, ये तो सभी को पता होता है स्कूल टाइम से ही. ठीक है, 26 January को भी एक और चीज़, जैसे 25 को दो चीज़ें मनाई जाती हैं, 26 को भी दो चीज़ें मनाई जाती हैं. ठीक है, इंटरनेशनल कस्टम डे. ठीक है, ये जो कस्टम्स होते हैं, ठीक है, कस्टम ड्यूटी लगती है ना आपकी, जो सामान बाहर से आता है या जाता है. ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ये जो होता है, ठीक है, कस्टम्स ड्यूटी होती है जो, ये इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जाता है 26 January को. ठीक है, उसके बाद 28 January को बर्थ एनिवर्सरी होती है लाला लाजपत राय जी की. ठीक है, मेरा भी बर्थडे होता है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. तो याद रखिएगा 28 January को बर्थ एनिवर्सरी होती है लाला लाजपत राय जी की. ठीक है, उसके बाद 30 January को मार्टर्स डे मनाया जाता है, शहीदी दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है. हम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसका शहीद दिवस मनाया जाता है. ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए. ठीक है, उसके बाद बताने को तो मैं भी बता दूँ. ठीक है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि 30
जनवरी को किसका शहीदी दिवस मनाया जाता है, मार्टर्स डे मनाया जाता है। उसके बाद 30 जनवरी को दो होते हैं, ठीक है। एक और भी होता है वर्ल्ड लेप्रोसी इराडिकेशन डे, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। उसके बाद जो दो वाले हैं वो ध्यान से देख लीजिए, 30 जनवरी और 26, 25, ठीक है। और बाकी सारे ये जो हैं ये सभी आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।